हाँ इसमें देखना था हम लोगों को। अब सोचना यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, बस सिर्फ प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम पता है, हर कुछ हो सकता है यहाँ पे। वो एच OHCH3, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का ही जो फैक्टर देख रहे थे उसी में से एग्जाम्पल करना है। OH कोई भी ग्रुप आ रहा है उसमें, NHCH3। OH CHO और OH और Cl। अब यहाँ पे कंपेयर करना था इसके, इसमें के का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, इस चारों में पांचों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा रहेगा यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना था, सबसे पहले ऊपर का तो सब सेम है यहाँ पे, तो जो भी हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा जो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से कनेक्टेड आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस बनाते हैं। कंजुगेट बेस बनाने के लिए अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वो खुद से सोच लेना है कि एच प्लस जब यहाँ से बाहर जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, फिर तो क्वेश्चन नोट कर लोगे, मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ। एच प्लस बाहर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कंजुगेट बेस बना रहे हैं, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, एच प्लस बाहर जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो पहला काम कंजुगेट बेस बनाना। अब देखते हैं कि कंजुगेट बेस किन केस में सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहा है यहाँ पे, तो जो ग्रुप आ रहा है किस नेचर का ग्रुप है उसको देखना है। तो CH3 जो आ रहा है यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे, दैट मीन्स HC भी लगा रहा होगा और प्लस आई तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो। NH CH3, तो नाइट्रोजन जो फर्स्ट एटम है उस पर क्या है, लोन पेयर, अंडरस्टूड है लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन का अभी इलेक्ट्रॉन पाई अभी तीन ही बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स एक लोन पेयर। ये क्या होगा इसमें, प्लस एम CHO, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, दैट मीन्स ये किस नेचर का होगा, माइनस एम। और कोई भी हेलोजन हो किसी भी पोजिशन पे आ रहा हो उसका कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट रहता है, माइनस आई। इफेक्ट बाकी भी लगाता है, प्लस एम माइनस एम, बट हम लोग मेनली किसकी बात करेंगे यहाँ पे, माइनस आई। अब जैसे ये इफेक्ट पता चल गया तो अब देखने कि सबसे ज्यादा स्टेबलाइज इस कंजुगेट बेस को कौन सा कर रहा है, तो फोर्थ में माइनस एम सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। और अगर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है कंजुगेट बेस को, दैट मीन्स वो जो एसिड रहा होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, फोर्थ, क्योंकि माइनस आई माइनस एम क्या करता है, स्टेबलाइज करता है कंजुगेट बेस को, जबकि प्लस एम प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन डिस्टेबलाइज करेगा। तो फोर्थ के बाद क्या जाएगा, फिफ्थ, फिफ्थ के बाद जो ऑर्डर रहेगा इसमें वन, क्योंकि टू एंड थ्री में तो डोनर ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें देखना है कि इसमें प्लस आई और एच सी और इसमें प्लस एम, तो प्लस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर बात करता है यहाँ पे, दैट मीन्स ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा कंजुगेट बेस को, ये लास्ट में आएगा, उससे आगे क्या रहेगा, टू और लास्ट में थ्री। तो सिंपल सा है कि कंजुगेट बेस बनाएंगे सबका, जो कि आसान सा है। उसके बाद जो भी डिफरेंट नेचर का ग्रुप लगा हुआ है तो किस नेचर का ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद अगर कोई विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, माइनस आई माइनस एम, तो क्या करता है, कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, और कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करा दैट मीन्स एसिड रेजिस्टेंस उसका बढ़ाता है, एसिडिटी उसका बढ़ा पाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं सेम टाइप का, देखना है इसमें यहाँ पे, एक मिनट वेट करो इसमें। चलो देखते हैं इसमें यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, COH और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, COH
अब यहाँ पे कोई ग्रुप लगाओ इसके, इसमें OCH3। COH, NO2, यहाँ पे क्या रहा COH, CH2, CH3। इसमें तुम लोग खुद से सोच के बताओ किसमें K का ऑर्डर क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4 में से। इतना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा, इसमें खुद से सोचो, कंजुगेट बेस बनाओ और नीचे जो ग्रुप है उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, किस नेचर का ग्रुप है, सेट में बताओ क्या ऑर्डर आ रहा है 1, 2, 3, 4 में से। सबसे पहला काम क्या करते हैं इसमें बताओ, जो लोग ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करो, उसमें क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद ट्राई करना है और प्रॉपर नोट सभी बनाना है यहाँ पे। लास्ट में इसमें पीडीएफ भेज देता हूँ, बट ट्राई करो कि जब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, एच प्लस को बाहर करके कंजुगेट बेस बनाना है, COO-, यहाँ भी एच प्लस को बाहर करेंगे तो COO-, एच प्लस को बाहर करेंगे तो COO-, ये कंजुगेट बेस बन गया। अब उसके बाद देखना कि जो OCH3 है किस नेचर का ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस है, NO2 एन डबल बॉन्ड है, माइनस है CH2 CH3, इसके रेस्पेक्ट में आर्थो पैरा पे है, ये प्लस आई और HCB, दो अल्फा CH3 है, 3142। देख लेते हैं आंसर आ रहा है इसमें कुछ लोगों के, देखती के 3142 सही है। वैसे एक तो सही है कि इसमें जो आ रहा है माइनस एम आ रहा है, तो माइनस एम क्या करता है, कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है, तो 3 का तो सबसे ज्यादा। 3 के बाद देखने का, अभी ये भी डोनर ग्रुप और ये भी डोनर ग्रुप, इसमें कोई भी नेचर नहीं लगा हुआ है, ये बीच में आ जाता है। अब ये प्लस एम और ये प्लस आई, तो प्लस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को। 3142 सबसे लास्ट में, 4 अभी भी क्या रहेगा स्टेबल, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा बट 4 ये सेकेंड से कम डिस्टेबलाइज करता है, क्योंकि ये प्लस एम और ये प्लस आई, तो प्लस एम वाला क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेबलाइज कर पाएगा। 3142 सही है, सलोनी के भी सही आ रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से सोच सकते हो यहाँ पे, नेचर पता है ग्रुप का, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसको सोच सकते हो वहाँ पे। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस केस में, OH फिनॉल है, इसके रिस्पेक्ट में OH OCH3 OH, अब OCH3 मेटा पे आ जाए और OCH3 पैरा पे, तो यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा जो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले कंजुगेट बेस तो सोच ही लेना है कि कंजुगेट बेस तो बन चुका है, एच प्लस बाहर करेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद देखना है कि यहाँ पे जो OCH3 OH के रेस्पेक्ट में, ये जो आर्थो पे OCH3 है ये किस नेचर का होगा, ये प्लस एम नेचर, ये याद रखना है। पैरा पे भी वो OCH3 आ रहा है OH के रेस्पेक्ट में, ये भी किस नेचर का, प्लस एम नेचर का। लेकिन यही ग्रुप जब मेटा पे आ जाता है OCH3, ये किस नेचर का बताओ, इसमें OCH3 मेटा पोजिशन पे प्लस आए नहीं, OCH3 कभी भी प्लस आई नहीं लगा था, माइनस आई, माइनस आई, मैंने क्लास में बताया था, सही है। इसमें ये क्या रहेगा, इसमें माइनस आई। एक अच्छा क्वेश्चन अगर जब भी पूछा जाता है तो यहाँ पे यही OCH3 आर्थो और पैरा पे प्लस है, क्योंकि लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है बट ये एक्चुअल में कंजुगेशन नहीं आ पाता इस ओ नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स मेटा वाला OCH3 माइनस आई। और जब इतना पता चल गया अब तो ऑर्डर बता सकते हो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं नंबरिंग कर दूं, 1, 2, 3, 4, 3 सबसे ज्यादा एसिडिक, सही है।
थ्री, अब देखना उसके आगे थ्री के बाद हुआ वो भी सही है। अब टू फोर में डिसाइड करना है, ध्यान से देख लोगे यहाँ पे कि टू फोर में ये भी प्लस एम और ये भी प्लस एम, अब दोनों प्लस एम नेचर का ग्रुप है यहाँ पे, तो प्लस एम तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, जितना प्लस एम यहाँ पे लगाएगा उतना ही प्लस एम यहाँ पर भी लगाएगा। उसके बाद हम लोग टू और फोर में डिसाइड करने के लिए माइनस आई का हेल्प लेते हैं, कुछ अमाउंट में इस क्वेश्चन पे भी माइनस आई लगा रहा होगा ये, बट वो बाद में देखते हैं। अब जब दोनों कुछ अमाउंट में माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे जो माइनस आई होगा सेकेंड वाले जो ओ सी एस थ्री ये नजदीक है ओ माइनस के रेस्पेक्ट में, और ओ माइनस के रेस्पेक्ट में ये आर्थो वाला ओ सी एस थ्री अगर नजदीक है ये क्या होगा यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, दैट मीन्स सेकेंड ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, दैट मीन्स ज्यादा एसिडिक और फोर लास्ट में। तो टू फोर में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, उसके लिए माइनस आई का हेल्प ले रहे हैं, और माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये इसके नजदीक है दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता है कंजुगेट बेस को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखने का। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसमें, ये हम लोग फैक्टर देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और यही फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना था। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो नोट कर चुके हो सब लोग प्रॉपर यहाँ पे। नेक्स्ट इफेक्ट है फर्स्ट पढ़े थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड था साइज, थर्ड था हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और फिफ्थ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखने की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम लोग पढ़े होगे केमिकल बॉन्डिंग में, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें एक स्टेटमेंट है उसको सिंपली नोट कर लेना, पहले उसका समझना इसको। ये भी क्या एक स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस शॉर्ट में क्या बोलना है, एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन एसिड then acidic strength, then acidic strength decreases while if it is present in conjugate base, then acidic strength increases। मैं एक बार रीड भी कर देता हूं यहां पे, इफ स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग exists in acid, then acidic strength decreases, while if it is present in conjugate base, then acidic strength increases। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं इसका मीनिंग। अब यहाँ पे अगर ऐसा कोई ग्रुप आ रहा हो OH, फिनॉल आ रहा हो, सेकेंड है OH और NO2, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, थर्ड आ रहा हो इसमें OH NO2 मेटा पोजिशन पे आ रहा हो, और यही OH ग्रुप पैरा पोजिशन पे आ जाए, इस केस में होता है क्या यहाँ पे। अब तो देखना है इस केस में इंट्रा, हम लोग किस मोलिकुलर हाइड्रोजन कौन से एच बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, इंट्रा मोलिकुलर, और इंट्रा मोलिकुलर में जो रहता है कि किसी एक ही मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग आ रहा है, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, और इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग दैट मीन्स दो के बीच में, और एच बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होता है
एक हाइड्रोजन हो जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हो, या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल सकते हैं, और दूसरा एटम भी क्या हो, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। उस पर आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन देखें कि OH, NO2, NO2, NO2। अब OH के रेस्पेक्ट में या फिर कंजुगेट बेस बना लो पहले यहाँ पे, ये बनाना चाहो तो उसमें। अब क्या होता है इस केस में यहाँ पे, ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, जब आर्थो और पैरा पे होगा तो N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, फर्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स माइनस एम और ये भी माइनस एम। तो माइनस एम का कंडीशन क्या है, फर्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड है बेंजीन के रेस्पेक्ट में, तो माइनस एम, ये भी माइनस एम। बट वही सिमिलर ग्रुप, सेम ग्रुप अगर NO2 मेटा पे आ जाए, यही अब क्या काम करेगा, फिर माइनस आई की तरह, क्योंकि ये इसके साथ कंजुगेशन नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे सबसे क्लियर है यहाँ पे है कि माइनस आई, माइनस एम और ये माइनस एम, तो ये तीनों क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट वाले फिनॉल से। अब देखना है कि इस तीनों में भी, इसमें माइनस एम लग रखा है, इसमें माइनस एम है, ये दोनों ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड वाले से, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस आई लग रहा है और माइनस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई। अब देखना है कि यहाँ पे 2 and 4 में, आर्थो और पैरा वाले में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम आता है इस केस में। अब देखोगे 2 और 4 में डिसाइड करने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ, 2-4 तो पता चलेगा कि बाकी से वो ज्यादा एसिडिक है। अब 2-4 में डिसाइड करने के लिए मैं सेकंड वाला जो फिगर है, अगर इधर यहाँ पे रिड्रॉ कर दूं उसको, OH और यहाँ पे क्या रहा है, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग जो होता है मेनली आर्थो पोजिशन पे ही लगाता है। आर्थो मेटा पैरा में से एच इंट्रा मोलिकुलर कहाँ पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आर्थो पोजिशन पे लगता है इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग आ रहा है एच और ऑक्सीजन के बीच में, तो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन रहता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में आ रहा है यहाँ पे, और 6-member रिंग भी बना रहा है। तो यहाँ पे जो एच बॉन्डिंग आ रहा है वो किस में लग रहा है, कंजुगेट बेस में नहीं लगा दिखा रहा है यहाँ पे, वो जो एच है अभी एच को बाहर नहीं किए हैं, तो कंजुगेट बेस में एच बॉन्डिंग ना लग के डायरेक्टली किस में एच बॉन्डिंग आ रहा है, इसमें एसिड में ही। स्टेटमेंट को फिर से यहाँ पे रीड करना था, इफ स्ट्रॉन्ग इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन एसिड, डायरेक्टली अगर एसिड में ही एच बॉन्डिंग आ रहा है देन एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज है, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अब इतना भी डिक्रीज नहीं कर जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, माइनस एम तो अपना काम करेगा, इसमें भी माइनस एम, इसमें भी माइनस एम। तो 2 और 4 में डिसाइड करने के लिए हम लोग इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग का हेल्प ले रहे हैं, और 4 ज्यादा एसिडिक होगा 2 से, 2 लेस एसिडिक हो जाएगा। क्यों 2 लेस एसिडिक हो रहा है 4 से, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, सेकेंड वाले में, आर्थो वाले में इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एसिड में ही आ रहा है, H प्लस को अभी बाहर नहीं किए हैं, कंजुगेट बेस नहीं बनाया उसका। 4 के बाद क्या रहेगा, 2 के बाद फिर 3, माइनस आई लग रखा है यहाँ पे, और 3 के बाद 1 सबसे लास्ट में। इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोचना था यहाँ पे, कि अगर डायरेक्टली एसिड में ही आ रहा है तो फिर इस टाइप का पिक्चर रहेगा यहाँ पे। एक और सुंदर एग्जाम्पल करें हम लोग यहाँ पे, OH यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग का कुछ कंसेप्ट पता हो जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पड़े हो गए। OH, सी डबल बॉन्ड OH, एडियाड ग्रुप है, बिल्कुल दोनों सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे CHO, इसको नोट भी करो। अब यहाँ भी देखना था, बिल्कुल सेम ही ग्रुप है, OH है, OH है, OH है, आर्थोपेल्डिहाइड, मेटापेल्डिहाइड और पैरापेल्डिहाइड। तो यहाँ भी सी डबल बॉन्ड OH है, ये भी कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा इसमें, माइनस एम। पैरा पे भी है सी डबल बॉन्ड O है, माइनस एम, और मेटा पे है ये फिर क्या लगाएगा, माइनस आई, बिल्कुल ऊपर की तरह। यहाँ भी क्या होगा, माइनस एम कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करता है वहां पे है, और कंजुगेट बेस को अगर ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है इस केस में, दैट मीन्स
माइनस एम वाला ज्यादा हेडिक होगा। अब यहाँ भी सेम क्वेश्चन कि टू और फोर में, तो टू और फोर में जब डिसाइड करने जाएंगे यहाँ पे, इसमें भी कौन सा फैक्टर हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की बात करोगे यहाँ पे, इसमें भी जो एच है अभी इसका कंजुगेट बेस नहीं बनाया, जैसा कि ऊपर वाले के लिए हम लोग देखे थे कंजुगेट बेस बनाने से पहले का इफेक्ट देख पाते हैं यहाँ पे हम लोग सी एच। और जब डायरेक्टली एसिड में ही इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ रहा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इसको लिख भी लोगे प्रॉपर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और ये भी क्या रहा था यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अब इस केस में देखें यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा क्या रहेगा, के का वैल्यू फोर्थ का, फिर टू का, और थ्री में माइनस आई लग रखा है वो भी ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को, और लास्ट में वन। ये सेम टाइप का क्वेश्चन था दोनों बेसिकली। तो इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, तो डॉटेड लाइन जो दिखा रही है क्या, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच सी ओ एच, एच और एच इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एच और एच सेम साइड है और यहाँ पे एच और एच अपोजिट साइड है। यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंडिंग क्लिप इसका नेम देखना है कि जब दोनों एच सेम साइड हो, सीस वाला फॉर्म हो, इस कंपाउंड का नेम रहता है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। और ये जो रहता है सेकेंड वाला फॉर्म ट्रांसफॉर्म, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। इसका नेम भी याद रखना है, नेम काफी इंपॉर्टेंट है इसका। सीस वाले को क्या बोलते हैं, एच और एच सेम साइड है, इसको क्या बोलते हैं मैलेइक एसिड, और इसको फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस वाले को। एच और एच अपोजिट तो ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड तो सीस। अब इसका हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। अब इसमें जब एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, इसमें दो दो सी ओ एच ग्रुप है, हम लोग पहले एक किसी इसका भी एक H प्लस को बाहर करेंगे और इसके भी एक H प्लस को बाहर करेंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे। देखो मैं डिटेल में बताता हूँ इसको यहाँ पे, जब कंजुगेट बेस बनाएंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड ओ एच, और इसका जब कंजुगेट बेस बनाएंगे, इसको इस टाइप से रिड्रॉ कर लो यहाँ पे, सी ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये क्या रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और यहाँ पे H और H है, तो दोनों का कंजुगेट बेस बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और जब कंजुगेट बेस बनाएंगे यहाँ पे O माइनस H C डबल बॉन्ड O ओ एच, और ये क्या रहेगा इसमें H। अब यहाँ पे देखना है कि जब सीस वाला फॉर्म है यहाँ पे, तो सीस वाले फॉर्म में क्या रहेगा इसके, इसमें O माइनस और H के बीच में क्या रहता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। जबकि यहाँ पे ये O माइनस और इस H के बीच में, H भी किससे कनेक्टेड हो, वो भी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं कि ये जो H है वो तो कार्बन से कनेक्टेड है, वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली किसके साथ होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। यहाँ का जो एक H है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, लेकिन ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत दूर है। अब यहाँ से ऐसा कुछ H बॉन्डिंग नहीं करता, यहाँ पे इतनी दूर से कुछ H बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई H बॉन्डिंग नहीं होता इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो आ रहा है इस केस में यहाँ पे, तो फर्स्ट में कंजुगेट बेस में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ रहा है, एच प्लस को बाहर कर चुके थे, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ रहा है। और जब कंजुगेट बेस में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो, तो पीछे में अगर एक स्टेटमेंट देखोगे कि कंजुगेट बेस में अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ रहा है,
देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज है, तो कंजुगेट बेस में रहता है तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम लोग एक एच प्लस को बाहर किए हुए थे, तो एक एच प्लस को बाहर करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, के वन फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, ऐसा पढ़ रखे होगा एनिक इक्विलिब्रियम में सब लोग। तो के वन का मतलब क्या, फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, वो किसका ज्यादा होगा, मैलिक एसिड का, फर्स्ट उसको फर्स्ट बोलना और इसको सेकेंड बोलें, तो मैलिक एसिड का के वन क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्या बताओगे सिंपली, कि सर कंजुगेट बेस जब दोनों का बनाते हैं, सीस वाला है सेम साइड है तो इसमें इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग आसानी से बना पाता है, जबकि ट्रांस वाले में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है तो इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग नहीं बनता है, जिसके चलते यहाँ पे कंजुगेट बेस में अगर एच बॉन्डिंग आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करता है कंजुगेट बेस को एच बॉन्डिंग के थ्रू, दैट मीन्स वो ज्यादा एसिडिक रह पाता है यहाँ पे। तो फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, मैलिक एसिड का ही ज्यादा रहेगा यहाँ पे। अब इसमें के टू भी अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे, के टू का मतलब क्या रहेगा, इसको ध्यान से देखोगे एक अच्छा क्वेश्चन है। के टू की बात करें, सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स दूसरा वाला जो एच है उसको भी अगर बाहर कर दिया जाए, तो दूसरा वाला एच अगर उसको भी बाहर कर दिया जाए यहाँ पे, देख लो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए, COO माइनस और यहाँ पे क्या होगा COO माइनस। देखिए इस केस में देखोगे किसका, एक एच तो पहले से बाहर जा चुका है, एक एच और भी जो बचा हुआ था सेकेंड केस में उसको भी बाहर कर दिए, ये सीस वाला फॉर्म था। ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्म की बात करोगे इसमें COO माइनस H और ये भी क्या बन जाएगा CO माइनस, दूसरा वाला H भी बाहर कर देना यहाँ पे और ये H। अब इस दोनों कंजुगेट में बेस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, यहाँ पे आप देखोगे ये COO माइनस और ये भी CO माइनस सेम साइड है, अब किसी के पास H वगैरह नहीं, H बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं लगेगा, और जब H बॉन्डिंग नहीं लग रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ भी CO माइनस यहाँ भी CO माइनस, दैट मीन्स दोनों के बीच में क्या होता है, इस केस में रिपल्सन होगा। और यहाँ पे जब सेम साइड है दोनों, तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होगा और यहाँ पे दोनों CO माइनस ग्रुप के बीच में रिपल्सन कम होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री पे अपोजिट आ रहा है, यहाँ पे रिपल्सन नहीं के बराबर होगा जबकि यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, मोर रिपल्सन, और रिपल्सन ज्यादा है कंजुगेट बेस में, दैट मीन्स ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, यहाँ पे सेकेंड ही ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रिपल्सन कम हो रहा है दो लार्जर ग्रुप के बीच में, और रिपल्सन कम होगा दैट मीन्स ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है दैट मीन्स के टू जो है वो सेकेंड का ज्यादा रहता है फर्स्ट से। के टू को हम इस तरीके से रिपल्सन के थ्रू समझेंगे और के वन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर पूछता है तो फिर इस टाइप से पूछ सकता है, मैलिक एसिड और क्यूमेरिक एसिड। चलो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम लोग, ये फैक्टर आ रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसको नोट कर लो प्रॉपर पहले। चलो देखते हैं आगे फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें सिक्स फैक्टर आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट, अब देखने जो आर्थो इफेक्ट होता है ये क्या रहेगा इसमें, तो जो आर्थो इफेक्ट लगता है दैट मीन्स आर्थो पोजन का ग्रुप होगा, और ये जो इफेक्ट लगता है सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड केस में, बेंजीन के ऊपर अगर सीओएच ग्रुप है तो सिर्फ उसी केस में आर्थो इफेक्ट लगता है। स्टेटमेंट पहले नोट कर लेते हैं इसका, एन आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, एन आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड
एन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड एंड इट्स मेटा एंड पैराइसोमर एंड इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड एंड इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर व्हाटएवर मे बी द नेचर ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट व्हाटएवर मे बी द नेचर ऑफ Maybe the nature of ortho substituents. Whatever may be the nature of ortho substituents, comma it may be due to SIR effect. It may be due to SIR effect. और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसको नोट पर मैं स्टेटमेंट को रिपीट भी कर देता हूं एन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड एंड इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर व्हाट एवर मे बी द नेचर ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स चाहे किसी भी नेचर का सब्स्टिट्यूएंट्स आपको पोजीशन पर कनेक्टेड हो इसका रीजन क्या होगा इट मे बी ड्यू टू एसआईआर इफेक्ट ये इफेक्ट हम पढ़ चुके थे क्लास में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग सेकंड स्टेटमेंट है इसी में ये फर्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें सेकंड स्टेटमेंट है इफ ऑल बेंजोइक एसिड आर आपको सब्स्टिट्यूटेड इफ All benzoic acid are ortho substituted. If all benzoic acid are ortho substituted, then to compare the acidic strength, then to compare the acidic strength we observe the electronic effect of substituents second point is mein do hi point tha main second point ko read kar deta hu If all benzoic acid are ortho substituted, then to compare the acidic strength, we observe the electronic effect of substituent. Substituents का electronic effect देखेंगे. देखते हैं example से इसका भी meaning. चलिए इसको first point में detail में समझ लेते हैं. इसका actual में meaning क्या है? कोई भी तो main जो ortho effect लगता है वो किस case के लिए आता है? Only for benzoic acid. स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड ये किसके लिए सिर्फ ओनली फॉर बेंजोइक एसिड सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए रहेगा ये अब इस केस में देखें हम लोग यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ रहा हो सी डबल बॉन्ड ओएच तो बेंजोइक एसिड अब इसके रेस्पेक्ट में एक ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया जाए सी डबल बॉन्ड OH और ये ग्रुप यहाँ पे से ज्यादा जो एसिडिक है वो ऑर्थो वाला जो है ये सेकंड फिगर वो ज्यादा एसिडिक होता है इसका रीजन समझना है किसका रीजन क्या है यहाँ पे इसका जो रीजन है जब इसके H प्लस को बाहर कर देते हैं कंजुगेट बेस को बाहर कर कंजुगेट बेस बना लेंगे H प्लस को बाहर करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज
इसके H प्लस को बाहर कर देंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखने ये जो CO माइनस ग्रुप है यहाँ पे है, ये C डबल बॉन्ड हो, ये O माइनस है, कंजुगेट बेस है, ये O माइनस इसके साथ रेजोनेंस में C डबल बॉन्ड हो के साथ। अब C डबल बॉन्ड हो इधर से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट मीन्स बेंजीन अगर इस कंजुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कंजुगेट बेस को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस जो है, जो भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा इसके साथ क्या होगा, इसका रिपल्सन होगा, और स्टेरिक रिपल्सन के कारण, रिपल्सन के कारण ये जो ग्रुप है पूरा सी ओ ओ माइनस वाला, ये क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन। जाकर के देखोगे ऐसा यार इफेक्ट क्या था वहां पे स्टेटमेंट उसका, यहाँ पे रिपल्सन के कारण ये जो पूरा मॉलिक्यूल है CO माइनस आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, और जब आउट ऑफ प्लेन हो जाता है ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड अगर एक प्लेन में नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं हो पाता। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या था, रेजोनेंस होने से रोकना, रेजोनेंस नहीं होने देगा प्रॉपर, दैट मीन्स यहाँ पे। और जब इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा कंजुगेट बेस को, दैट मीन्स ये डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, जबकि ये यहाँ पे डिस्टेबलाइज करता है कंजुगेट बेस को, और जब यहाँ पे ये डिस्टेबलाइज नहीं कर पाता है तो कंजुगेट बेस स्टेबल रह पाता है यहाँ पे, जिसके चलते आर्थो वाला जो ग्रुप है वो हमेशा ज्यादा एसिडिक हो पाता है, चाहे किसी भी नेचर का ग्रुप हो। ये तो इसका रीजन था, स्टेटमेंट डायरेक्टली याद रखना था यहाँ पे। एक क्वेश्चन में यहीं पे बता दूंगा, इस केस में एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, COH, ये SIR इफेक्ट का रीजन देख रहे थे, ये किस रीजन से देख रहे हैं, SIR इफेक्ट। कुछ केस में इंट्रा मोलर एच बॉन्डिंग भी रहेगा, दोनों फैक्टर का हम एग्जांपल देखेंगे अभी। COH NO2 COH NO2 COH NO2। अब यहाँ पे सोचना है, इस केस में देखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक अगर चेक करना है, अगर क्वेश्चन यही पूछे कि चारों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, मोस्ट एसिडिक कौन सा है, बिना कुछ ज्यादा सोचे इसमें पेंजोइक एसिड का केस है, आर्थो पे NO2 ग्रुप लगा हुआ, जो भी ग्रुप लगा हुआ जिस भी नेचर का ग्रुप हो, चाहे प्लस एम हो माइनस एम हो कोई भी मतलब नहीं है, आर्थो पे अगर ग्रुप लगा हुआ है सीओएच के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो सेकेंड सबसे ज्यादा एसिडिक। अब सेकेंड के बाद सोचना शुरू करना है। अब यहाँ पे ये नेचर भी देखोगे तो ये किस नेचर का रहा था, माइनस एम नेचर का। NO2 अगर मेटा पे है ओनली माइनस आई, NO2 अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसको आंसर बता रहे हैं उसमें, चलो देख लेते हैं 2, 4, 3, 1, तो 2 के बाद फिर क्या रहेगा इसमें, 4 सही है, क्योंकि ये क्या लगा रहा होगा, माइनस एम, ये माइनस आई लगाता है, उसके बाद फिर 3 और फिर क्या रहेगा इसमें 1, बिल्कुल सही है इसमें। तो यहाँ पे 2 का सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे SIR इफेक्ट काम करता है, और उसके बाद फिर बाकी सोचना है कि क्या रहेगा। चलो इतना यहाँ नोट करो प्रॉपर इसको, तो जब भी बेंजोइक एसिड का केस हो, ये बहुत ही आसान सा रहा था, बट इसमें आर्थो इफेक्ट याद रखना है। कुछ बच्चे फिनॉल का भी केस रहता है, वहां पर भी आर्थो सब इफेक्ट लगा देते हैं, नहीं ये सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड केस के लिए रहता है सारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इसमें COH, COH, OH,
COH मेटा तो वे चार आओ सी डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे पैरा तो वे चार आओ। अब इसमें भी मुझे K का ऑर्डर बताना है, लेकिन इसमें अब देखना कि यहाँ पे कार्बोक्लिक एसिड और फिनॉल OH है, तो कार्बोक्लिक एसिड और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा रहता है इसमें, कार्बोक्लिक एसिड, दैट मीन्स इसी का H प्लस को बाहर करना है और कंजुगेट बेस बनाना है। अब देखना है कि यहाँ भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, तो बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में आर्थो सेकंड का ग्रुप को सेकंड को सबसे ज्यादा। अब देखना है कि सेकंड के बाद आप देखेंगे कि OH और ये OH, यहाँ पे अगर OH पैरा पे आ रहा है किस नेचर का होगा, माइनस है नहीं माइनस प्लस है, प्लस आर्थो और पैरा पे ऑक्सीजन OH है, कोई भी प्लस है नेचर का ग्रुप है, तो आर्थो यहाँ भी क्या लगाएगा प्लस है और यहाँ भी प्लस है, क्योंकि लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, तो लोन पेयर है तो प्लस है और कंजुगेशन में भी आ रहा है बेंजीन के साथ। अब यही जो OH ग्रुप है मेटा पोजिशन पे हो, ये फिर क्या लगाएगा माइनस आई। यही क्वेश्चन तुम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है। अब देखने की सेकंड तो सबसे ज्यादा एसिडिक, अब यहाँ पे सेकंड का जो रीजन है वो अलग है, अब यहाँ पे SIR इफेक्ट रीजन ना होकर के यहाँ का जो रीजन है वो क्या रहता है इस केस में, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और यहाँ पे ये ओ और ये एच, तो अगर कंजुगेट बेस में इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग आ रहा है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था कि इट मे बी ड्यू टू SIR इफेक्ट या इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग, इसमें तो इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग ये SIR इफेक्ट आ रहा था, बट इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग के कारण सेकेंड ज्यादा एसिडिक होता है, तो सेकेंड के बाद फिर क्या आ जाएगा, तो उसके बताओ इसमें थर्ड, क्योंकि ये कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करे, कंजुगेट बेस को लेना ही होता है माइनस आई से, थर्ड के बाद फिर क्या रहेगा फर्स्ट और फोर्थ सबसे लास्ट में, क्योंकि ये तो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, ये कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उसको सिंपली सोच सकते हो वहां पे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं लोग यहाँ पे, COH CH3 COH CH2 CH3 नेक्स्ट है इसमें COH CH CH3 CH3 नेक्स्ट है इसमें COH CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे देखोगे हमने एक इफेक्ट पड़े थे SIR इफेक्ट, उसको याद करो कुछ, SIR इफेक्ट जो था जितना SIR इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का साइज जितना ज्यादा होगा वहाँ पे SIR इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे SIR इफेक्ट सबसे ज्यादा इस केस में होगा, ये सबसे ज्यादा आउट ऑफ प्लेन करेगा, तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी रहता है यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसमें भी आर्थो पोजिशन पे, इसमें भी आर्थो पे, इसमें भी आर्थो और यहाँ भी आर्थो, इस केस में होता क्या है, जो लास्ट वाला आ रहा है इस केस में यहाँ पे, इसमें SIR इफेक्ट सबसे ज्यादा लगता है लार्जर ग्रुप का यहाँ पे, और जितना ज्यादा SIR ग्रुप होगा उतना ज्यादा इस कंजुगेट बेस को आउट ऑफ प्लेन करेगा, दैट मीन्स इधर से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिल पाएगा इसको, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कंजुगेट बेस, जब इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहा है ये ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस हो पाता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा 4, 3, 2 और 1 में सबसे स्मॉलर ग्रुप है ये CH3, यहाँ पे आर्थो इफेक्ट यहाँ भी लगेगा, सब में आर्थो इफेक्ट लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आर्थो इफेक्ट कहाँ पे लगेगा जिसमें लार्जर ग्रुप आ रहा है, ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे सब लोग इसको, COH COH, अब यहाँ पे कोई भी नेचर का ग्रुप लगा दिया जाए लाइक CH3
COH NO2 COH OCH3 इस चार में अगर कंपेयर करना है यहाँ पे के का तो देखना है कि फर्स्ट में तो कोई आर्थ इफेक्ट है ही नहीं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में आर्थ इफेक्ट लग रहा है, और जब आर्थ इफेक्ट लग रहा है दैट मीन्स सेकेंड थर्ड फोर्थ ज्यादा हेडेक हो पाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पे इसमें भी CH3 आ रहा है, आर्थो पे NO2 आ रहा है और ये भी आर्थो पे आ रहा है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने पीछे बताया हुआ था कि ऑल बेंजोइक एसिड आर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, देन टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ वी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना है, दैट मीन्स ये OCH3 किस नेचर का होगा, सोच के बताओ। ये नेगेटिव आय नहीं, आर्थो और पैरा पे है, लोन पेयर ऑप्शन के पास माइनस एम। OCH3 कभी भी माइनस एम नहीं लगाता, जब भी लगाता है तो प्लस एम। चार दो ही तो स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मैं दिखा भी रहा हूँ, तो फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस है, डबल बॉन्ड होगा, देखिए एन डबल बॉन्ड हुआ है, NO2 है, ये क्या लगाएगा फिर माइनस एम। माइनस और CH3 आ रहा है, ये क्या लगाएगा हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई भी लगाएगा, सही है। अब जब इतना पता चल गया, अब इसमें देखने कि ये तीनों तो सबसे ज्यादा होगा ही फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगता है तो ये तीनों ज्यादा होगा। अब इस तीनों में से ज्यादा कौन सा होगा, तो 1 2 3 बोलने लो। 3 सही है, 3 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि NO2 लग रहा है, कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। कंजुगेट बेस पहले सोच लेना था, यहाँ अंडरस्टूड है कि पहले कंजुगेट बेस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाद फिर क्या होगा इसमें, ठीक के बाद देखने यहाँ पे क्या आ जाए। नहीं देखो, यहाँ पे यही गलती करते हैं एग्जाम में बच्चे, यहाँ पे वन नॉर्मल कंडीशन होता तो फिर ये सोचते, बट ये बेंजोइक एसिड का केस है, आर्थो इफेक्ट ठीक है, इसमें प्लस आई और HC लग रहा है और यहाँ पे प्लस है, बट आर्थो इफेक्ट तो अपना काम करेगा ही करेगा, और आर्थो इफेक्ट के चलते बेंजोइक एसिड है ये तीनों ज्यादा एसिडिक है, ये तीनों तो ज्यादा एसिडिक चाहे जिस भी नेचर का ग्रुप हो। यहाँ पे स्टेटमेंट है व्हाट एवर मे बी द नेचर ऑफ आर्थो सब्स्टिट्यूएंट, जिस भी नेचर का सब्स्टिट्यूएंट आर्थो पोजीशन वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा बेंजोइक एसिड से। यहाँ पे जो आ रहा है थर्ड के बाद फिर क्या आ रहा था, सेकेंड के बाद फिर फोर्थ और लास्ट में वन, क्योंकि वन में कोई भी आर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, और जब आर्थो इफेक्ट लगता है तो बाकी नेचर को देखने की जरूरत ही नहीं है वहां पे कि किस नेचर का है क्या है। अब इस तीनों में आर्थो पोजीशन पे आ रहा था तो इसमें कंपेयर करने के लिए हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख रहे हैं। मैंने पहले स्टार लगाया था, एक अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, अभी तक हम लोग देख रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ और भी पार्ट है, कंपेयर करने वाला पार्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं, इसमें नोट भी कर लिया होगा इसको यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें फिजिबल रिएक्शन ऑफ एसिड्स, फिजिबल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। फिजिबल रिएक्शन ऑफ एसिड, इसमें बस एक स्टेटमेंट यहाँ भी देखना था कि फिजिबल रिएक्शन का मतलब क्या, रिएक्शन पॉसिबल हो रहा हो, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा हो। अ स्ट्रॉन्गर एसिड फाइनली मेक्स इट सॉल्ट, बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो अ स्ट्रॉन्गर एसिड, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अ स्ट्रॉन्गर एसिड फाइनली मेक इट्स सॉल्ट, वो अपना सॉल्ट के फॉर्म में रहना चाहता है। अब स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, उसको एग्जांपल समझते हैं हम लोग।
अब मान लो कि कोई भी यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है और यहाँ पे ओ माइनस और एन ए प्लस आ रहा है इसके इसमें, सी ओ एच और ओ माइनस एन ए प्लस आ रहा है इसके इसमें। तो यहाँ पे देखना है इस केस में कि सी ओ एच और ओ माइनस एन ए प्लस, अब देखने की ये रिएक्शन एक दिया है, अब ये फिजिबल है या नहीं है। तो फिजिबल रिएक्शन के लिए यहाँ पे देखने की ये सॉल्ट के फॉर्म में, इस कंपाउंड का नेम भी क्या होता है सोडियम फिनोक्साइड, फिनॉल से बन रहा है ये, क्या है सोडियम फिनोक्साइड। अब ये फिनॉल का अगर सॉल्ट है तो पहले यहाँ पे फिनॉल सोच लेंगे हम लोग, यहाँ पे ये क्या आ गया यहाँ पे OH, तो जिस एसिड का ये सॉल्ट दिया गया है उसको सोच दिया यहाँ पे। अब इसमें सोचना कि ये फिनॉल और ये बेंजोइक एसिड दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये बताओ बेंजोइक एसिड और फिनॉल में से। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड सही है। रीजन बता सकते हो क्या रीजन था? चलो रीजन नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, कल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कल ही कि यहाँ पे जब कंजुगेट बेस बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, बेंजोइक के केस में और फिनॉल में, यहाँ पे जब कंजुगेट बेस बनता है तो इसमें टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, जबकि यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट आर एस बनता है, और इक्विवेलेंट आर एस के चलते बेंजोइक एसिड ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बना पाता है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है। तो रीजन सिंपली क्या बताना था कि सर इसमें कंजुगेट बेस टू इक्विवेलेंट आर एस बनाता है जबकि इसमें नॉन इक्विवेलेंट आर एस, बस इतना ही बताना। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है और जो ज्यादा एसिडिक है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहना चाहता है। क्योंकि अब होता क्या है कि जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वो अपना एच इजिली लूज कर देता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर एसिड जो भी है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका एच प्लस लूज करने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा रहता है कि एच प्लस इजिली लूज कर देता है, और जैसे ये एच प्लस को लूज करता है तो फाइनली ये क्या करता है सी ओ ओ माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, सी ओ ओ माइनस, और इसका जो एन ए प्लस था अब ये एन ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका जो एक H प्लस यहाँ से बाहर गया था अब ये O माइनस एक्सेप्ट कर लेगा ये, और ये फाइनली क्या बन जाता है फिनॉल। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर एसिड था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा रिएक्शन फिजिबल हो पाएगा। सॉल्ट के फॉर्म में आने का मतलब क्या है, वो अपने पास एन ए प्लस को रखता है, जैसे कि कोई भी अगर आ रहा वहां पे है कोई भी कंपाउंड अगर HCl और NaOH आ रहा है, HCl और NaOH का मतलब क्या था, ये जब इसका H प्लस बाहर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा Cl माइनस और ये Na आ जाएगा इसके पास, तो Cl माइनस और Na प्लस यही तो सॉल्ट बन गया। इसका H प्लस जब भी Na प्लस जिसके पास है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो सॉल्ट के फॉर्म में है, ये Na माइनस बेंजोगेट के पास आ गया दैट मीन्स ये सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ पे, और ये OH। अब आगे देखना था यहाँ पे, तो कंडीशन यहाँ पे यही था कि जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, और ये अगर फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में बन रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो लोग बोलेंगे ये रिएक्शन फिजिबल है। देखते हैं और भी एग्जांपल देखते हैं, ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आ रहा हो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो यहाँ पे, ये क्या आ जाए यहाँ पे एन ए ओ एच, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको ध्यान से देखना कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा वो कैसे सोचेंगे, तो जैसे कि इसमें से एन ए प्लस को हटा दिए थे और ये ओ एच अपने मन से सोच लिए थे कि ये फिनॉल का सॉल्ट रहा होगा, ये किस एसिड का सॉल्ट है, ये यहाँ पे एन ए प्लस और ओ एच माइनस, तो ओ एच में से एच प्लस को ऐड कर देंगे ये क्या होगा वाटर, तो ओ एच माइनस और एच ओ एच माइनस और एन ए प्लस, तो ओ एच माइनस किससे बन रहा होगा वाटर का, एक एच प्लस को हटाया होंगे तो
OH माइनस बना होगा। अब OH माइनस वाटर और वाटर और इसमें एसिटिलीन में दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, ये मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे H किससे कनेक्टेड है, इसका जब कंजुगेट बेस बनाते हैं तो OH माइनस और इसका जब कंजुगेट बेस बनाएंगे यहाँ पे हम लोग एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, इस दोनों कंजुगेट बेस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, OH माइनस या एच सी ओ माइनस? OH माइनस। OH माइनस सही है बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.5 और sp कार्बन का 3.25 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, ये ज्यादा एसिडिक ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मीन्स वाटर ही ज्यादा एसिडिक है। और जो ज्यादा एसिडिक है वो ऑलरेडी सॉल्ट के फॉर्म में है, और जो ज्यादा एसिडिक वो ऑलरेडी अगर सॉल्ट के फॉर्म में है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो जो अगर ऑलरेडी सॉल्ट के फॉर्म में तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसको समझने के लिए, OH हो और अब यहाँ पे क्या आ रहा O माइनस Na प्लस और यहाँ पे तुम्हारा NO2। अब इसमें सोचना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, सोचो 10 सेकंड सोचो, कुछ से इसको नोट भी करो। क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा? सोचने का तरीका क्या रहेगा, आंसर आ रहा है इसमें नॉट फिजिबल, कुछ लोग बोल रहे फिजिबल है, आयुष के सही आ रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे देखना है कि सोचना कैसे है, तो जो ऑलरेडी सॉल्ट के फॉर्म में है ये किस एसिड का सॉल्ट रहा होगा, एनओ को हटा दो और यहाँ पे एच लगा दो अपने आप, तो उसी एसिड का सॉल्ट रहा होगा ये OH और NO2, इसी एसिड का सॉल्ट रहा होगा ये। अब इस ये जो एसिड हम लोग सोच लिए अपने मन से जिसका सॉल्ट था ये, और ये जो पहले है यहाँ पे, इस दोनों में कंपेयर कर लेंगे, दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, फिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल? पैरानाइट्रोफिनॉल सही है, पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि NO2- M के कारण स्टेबलाइज करता है कंजुगेट बेस को, दैट मींस ज्यादा एसिडिक बनाएगा। और ये अगर ज्यादा एसिडिक है तो ये ऑलरेडी सॉल्ट के फॉर्म में है यहाँ पे, और क्योंकि स्टेटमेंट क्या था, जो स्ट्रॉन्गर एसिड वो सॉल्ट के फॉर्म में रहना चाहता है, ये ऑलरेडी सॉल्ट के फॉर्म में है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा पाएगा यहाँ पे, ये नॉट फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है। और सोचना चाहो एक क्वेश्चन और, बाकी हम लोग दो तीन एग्जांपल के लिए अब ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि सोचना कैसे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। एक और मैं क्वेश्चन ले ही लेता हूँ यहाँ पे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, COH CO माइनस Na प्लस हो यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा हो COOH और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया जाए। अब देखने कि ये फिजिबल होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ये CO माइनस Na प्लस और ये COH और ये NO2, बताओ इसमें फिजिबल या नॉट फिजिबल? फिजिबल सही है, फिजिबल सही है, फिजिबल होगा। कैसे चेक करेंगे, ये किस एसिड का सॉल्ट होगा बेंजोइक एसिड पे, अपने मन से H प्लस यहाँ पे सोच लेते हैं। अब बेंजोइक एसिड और यहाँ पे NO2, तो यहाँ पे NO2 लगने के कारण ये ज्यादा एसिडिक है और जो ज्यादा एसिडिक होगा वो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, दैट मीन्स वो Na प्लस अपने पास रखेगा वहां पे, और Na प्लस अपने पास अगर रखा हुआ ये तो ये क्या बन जाएगा, फिजिबल होगा, और फिजिबल होगा तो हम लोग आगे रिएक्शन क्या बने तो वो दिखा देना वहां पे। अब ये COH बन जाता है, इसका H इसके पास है और इसका Na प्लस यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्ट के फॉर्म में बनेगा वो, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे COO माइनस Na प्लस और ये NO2,
अब तो क्लियर हो गया ये सारा कि फिजिबल रिएक्शन कैसे चेक करते हैं। तो पीछे जितना भी हम लोग पढ़े थे एसिडिफिकेशन कंपेयर किए थे वो अगर आ रहा है कंपेयर करने के लिए तो ये तो फिर आसान सा पार्ट है। तो ये हम लोग देख रहे थे फिजिबल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। एक और रिएक्शन रहा था उसको भी हम लोगों को देखना है यहाँ पे, इतना नोट करो। आज हम एसिडिफिकेशन को फिनिश करते हैं। समझ में तो आ रहा है सब लोगों को अभी अच्छे से? यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो पूरा चीजें समझ में आना चाहिए अच्छे से। और क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ऑर्गेनिक का, जैसे कि जीओसी वन का सॉल्व किए या नोमेनक्लेचर का सॉल्व किए, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है जैसे कि थ्योरी पढ़ लिए उसके बाद क्वेश्चन तो सॉल्व मतलब 50% भी हो रहा है 60% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं बोलो कि सारा हो ही रहा है। 60-70% भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो रहा है थ्योरी पढ़ने के बाद, लेकिन हम लोग थ्योरी ढंग से पढ़े हुए हैं। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का रहा तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको, बट अगर और भी अच्छे से ध्यान दोगे तो 80-90% क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएगा तुमसे। तो आगे देखते हैं। और ऑर्गेनिक का बेसिक रूल भी यही है कि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे लेक्चर नोट्स को, लेक्चर नोट्स अच्छे से होना चाहिए तुम्हारे पास, उतना ज्यादा फिर स्कोरिंग पेपर भी ज्यादा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें कि एग्जाम्पल ये यहाँ पे इसको देखना है। SO3H और यहाँ पे क्या हो COH और यहाँ पे तुम्हारा आ रहा हो CH3 COO-Na+ स्टेप्स ले लो इसमें यहाँ पे। O-Na+ और ये क्या हो 1 equivalent ही हो, एक ही हो इसके पास। अब देखने कि यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्लिक एसिड और ये किस एसिड का सॉल्ट है, ये मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। ये जो सॉल्ट बन रहा है PHO-Na+ सोडियम फिनोक्साइड, ये किस एसिड का सॉल्ट है, ये फिनॉल का। अब यहाँ पे तीन तीन एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्लिक एसिड और फिनॉल, तीनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? मैंने कल बताया था डिटेल में, तीनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, क्योंकि इसका जब कंजुगेट बेस बनाते हैं यहाँ पे 3 equivalent RS बनता है, जिसके चलते ये ज्यादा एसिडिक हो पाता है। और जो तीनों में से जो ज्यादा एसिडिक है वो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, दैट मीन्स इसका Na+ अब इसके पास आ जाएगा, ये फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ये क्या रहेगा यहाँ पे SO3Na बना देगा, बाकी बेंजोइक एसिड एजिटिज रहा था, क्योंकि पता है किसके पास एक ही Na+ है, एक ही Na+ है तो वो किसके पास जाएगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा जब रिएक्शन होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड SO3HA था। क्लास नोट्स में क्या गया तो उसको जाकर के देखोगे COH, और अब इसका जो H+ है वो इसके पास आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा फिनॉल। इस टाइप का भी हो सकता है रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें एक ऑर्डर लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हेल्प करेगा तुम्हें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू। कुछ एसिड है के वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आगे होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट सबसे है HBr HCl PHSO3H RSO3H
सल्फ्यूरिक एसिड, देन HF, देन PHCOH। इस ऑर्डर में जो आगे आ रहा है उसका मतलब क्या है, वो ज्यादा एसिडिक हो पाएगा वहां पे। RCOH, देन H2CO3, H2CO3, देन PHOH, एक और लिख लो गए यहाँ पे NH4+ PHOH ग्रेटर देन CH3OH, देन वाटर, देन बॉन्की का जो अल्कोहल आता है ROH, आर के जगह यहाँ पे CH3 नहीं होगा क्योंकि वो आगे ले चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें RC CCH, नेक्स्ट है इसमें PH3। इसको याद नहीं रखना, बस एक आइडिया रखोगे उस क्वेश्चन में ये हेल्प करता है वहां पे। NH3, RCH CH2, और ये फिर लास्ट में RCH2CH3। यहाँ पे एक स्टेटमेंट जनरली याद रखना है कि कोई भी अगर इनऑर्गेनिक एसिड होता है तो वो जनरली ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक रहता है। इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरली इनऑर्गेनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पे HI HBr HCl है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। कैसे पता चलता है कौन ऑर्गेनिक एसिड कौन इनऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक है दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन है, वहां कार्बन नहीं है दैट मीन्स ऑर्गेनिक नहीं है। यहाँ पे HI HBr HCl तो है, बेंजीन सल्फोनिक ज्यादा एसिडिक रहता है, बेंजीन कनेक्टेड तो ज्यादा स्टेबलाइज करता है कंजुगेट बेस को। फिर HF आता है इसके बाद। अभी हम लोग कंपेयर किए थे कि सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड से, दैट मीन्स ऑर्डर में ये दोनों आगे आ रहा है। फिर H2CO3, एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे तो इसको देखना है H2CO3। फिर NH4+ PHOH फिनॉल पीछे आ रहा है, फिर अल्कोहल वाटर बाकी का और रहेगा मान लो यहाँ पे C2H5OH आ गया। फिर ट्रिपल बॉन्डेड H PH3S, ये क्या इसमें क्लियरली अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ भी लोग PH3CH, तीन तीन PH है, तीन तीन बेंजीन CH है। NH3, RCH CCH2, RCH2CH3। तो K के ऑर्डर में ये HI सबसे आगे है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये सबसे पीछे है, दैट मीन्स ये वीक एसिड है। अब एक स्टेटमेंट आता है यहाँ पे, रिएक्शंस विद NaHCO3। देख लो बस 2 मिनट का टॉपिक है ये, रिएक्शन नहीं एडिंग है क्या? हाँ बिल्कुल, ये नया एडिंग बोल सकते हैं यहाँ पे, इसी का जो हम लोग ऊपर लिखे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के वैल्यू, इसी को यूज करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे। अभी ये क्या इसमें रिएक्शन, इसको इस स्टेप से लिख सकते हो यहाँ पे NaHCO3 रिएक्ट्स विद NaHCO3 किसके किसके साथ रिएक्ट करता है? NaHCO3 रिएक्ट्स विद दोज एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन H2CO3। जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसी के साथ NaHCO3 रिएक्ट करता है। इसका नेम क्या है NaHCO3 का? वॉशिंग सोडा, वो है। और क्या नेम रहेगा इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको यहाँ पे। अब इसका जो रिएक्शन होता है, कोई भी मान लेते हैं कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, इस ऑर्डर में देखते हैं कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कौन सा आ रहा है यहाँ पे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो ज्यादा एसिडिक रहता है, ये इसके साथ रिएक्ट कर पाता है कार्बोनिक एसिड।
और वो फाइनली ये NaHCO3, और जब फाइनली ये रिएक्ट कर लेता है यहाँ पे, ये क्या बनाएगा इस केस में, R, यहाँ पे क्या होगा RC डबल बॉन्ड O। अब ये Na प्लस और HCO3 माइनस, Na प्लस और HCO3 माइनस, ये H एसिडिक हाइड्रोजन होता है, O माइनस। अब ये O माइनस और ये H प्लस, H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है वो, और ये O माइनस Na प्लस और ये HCO3 माइनस। अब ये HCO3 माइनस क्या करेगा, इसका H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या बना देगा H2CO3। और H2CO3 फर्दर किस में ब्रेक होता है, अगर कुछ याद हो, CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाता है, सही है, वो क्या होता है CO2 और H2 में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो पाता है। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaHCO3 किसके किसके साथ रिएक्ट करता है जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा, तो इस यहाँ पे देख सकते थे हम लोग। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट करने के बाद CO2 गैस को रिलीज करता है, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसके साथ रिएक्ट करने के बाद CO2 गैस रिलीज करता है। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड का नेम लिख देता हूँ, ऊपर तो लिखा हुआ है ही, इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि Na ये H2CO3 से एसिड ज्यादा एसिडिक कौन कौन सा रहता है, इसको नोट कर लो, लास्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे है। NaHCO3 किसके किसके साथ रिएक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, चार ऑप्शन गिवन होगा, तो जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सबके साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी सल्फोनिक एसिड हो उसके साथ रिएक्ट करेगा, और कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड हो लाइक HI, HBr, HCl, HF है, इतना नोट कर चुके होंगे हम लोग, आगे देखते हैं अभी यहाँ पे। और नोट सबका प्रॉपर बना हुआ रहना चाहिए, जब भी ऑफलाइन क्लास होगा मैं किसी का रैंडम भी चेक कर सकता हूँ, ऑर्गेनिक का नोट्स प्रॉपर सबका बना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, पीडीएफ तो ठीक है जिनका कुछ छूट जाता है उनके लिए मैं भेजता हूँ, ऐसा नहीं कि पीडीएफ के थ्रू ही पूरा नोट करना है। तो नोट यहाँ पे प्रॉपर टाइम ले करके, अगर मैं जल्द आगे बढ़ जाता हूँ तो बोल के कि सर अभी नहीं हुआ नोट करना है, तो नोट्स सबका प्रॉपर होगा, क्योंकि नोट्स रहेगा ऐसा नहीं कि आज ही है, फिर एक साल के बाद भी उसको रिवाइज करोगे, और रिवाइज करना ही पड़ता है नीट के एग्जाम से पहले, तो तुम्हारा काम आएगा जब प्रॉपर नोट्स रहेगा तुम्हारे पास। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो वो तो रिएक्ट करता ही करता है NaHCO3 के साथ, ये रिएक्ट कर पाएगा। यहाँ पे जो मैं कुछ कंपाउंड का लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो बस ये सोचना है कि कौन सा कंपाउंड NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर पाएगा, CH3COH, इसके अलावा कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड हो लाइक H2SO4, वो भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो तो रिएक्ट करता ही करता है, तो ये भी रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा। अब फिनॉल आ जाए यहाँ पे, अब देखना कि फिनॉल रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा H2CO3 के साथ, ये सॉरी NaHCO3 के साथ, सोचो इसमें देखो, ऑर्डर में देखो उसमें फिनॉल के बारे में, तो फिनॉल यहाँ पे दिया हुआ है PHOH, PH का मतलब क्या है, नहीं करेगा, तो PHOH नहीं करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली ये ऑप्शन में रहता है, तो फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है NaHCO3 के साथ। एक ये टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं, अब मान लो कि तुम्हारे पास क्या हो, एक फिनॉल दिया हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तुम्हारे पास, दो अलग अलग बीकर में, पता ही नहीं कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन सा फिनॉल है, तो उस दोनों का रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और जिसके साथ रिएक्शन करने के बाद CO2 गैस रिलीज हो पाएगा, तो CO2 गैस किसके साथ रिलीज, कब रिलीज होगा, जब वो रिएक्ट करेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर पाता है,
आगे देखना था, कार्बोक्लिक एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा और यही CO2 गैस रिलीज करेगा, और जिसमें से जिस बीकर में से CO2 गैस रिलीज होगा हम लोग समझ पाएंगे वही क्या रहा होगा, कार्बोक्लिक एसिड। और फिनॉल के साथ रिएक्ट ही नहीं करता तो यहाँ पे कोई भी CO2 गैस रिलीज नहीं हो पाता है। बट फिनॉल तो रिएक्ट नहीं करता है, बट फिनॉल के रेस्पेक्ट में अगर NO2 ग्रुप लगा दिया जाए एक भी, तो अब NO2 ग्रुप लग जाने के कारण इस फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज इंक्रीज होगा, सही है। अब जब NO2 ग्रुप लग जाता है अब ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है फिनॉल, ये H2CO3 से, सॉरी इसको हटा दोगे यहाँ पे कंफ्यूजन होगा इन दोनों टिक में, ये क्या यहाँ पे है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्रॉस का मतलब क्या है वो रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि अब ये रिएक्ट कर पाता है क्योंकि NO2 ग्रुप लगने के कारण फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, अब ये H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हो जाता है क्योंकि ये किस नेचर का है, माइनस एम नेचर का। बट वही ग्रुप NO2 ग्रुप अगर मेटा पे आ जाए तो फिर ये रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि सिर्फ माइनस आई लगाता है, तो ये लेस एसिडिक ही रहता है H2CO3 से, फिनॉल से तो कुछ ज्यादा एसिडिक रहता है बट फिर भी ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। और एक NO2 अगर आर्थो पे पैरा पे आ रहा है, अब दो दो NO2 आ गया, ये तो और भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ये तो रिएक्ट कर पाता है यहाँ पे। ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन था यहाँ पे कि कोई भी कार्बोक्लिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो वो तो रिएक्ट करेगा ही, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड हो लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एच आई, एच बी आर, एच सी एल, एच एफ, वो सब तो रिएक्ट करेगा इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में देखना है कि सल्फोनिक एसिड करता है, कार्बोक्लिक एसिड करेगा, फिनॉल नहीं करता, बट फिनॉल के रिस्पेक्ट में NO2 ग्रुप लग जाए पैरा पे आर्थो पे तो वो कर पाएगा, मेटा वाला नहीं करेगा, और दो दो ग्रुप लग गया या तीन तीन ग्रुप लग गया वो तो करेगा ही। और इसके अलावा एक कंपाउंड और होता है, इसको भी एक याद रखना था यहाँ पे, OH, OH, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी रिएक्ट कर पाता है NaHCO3 के साथ, और इस कंपाउंड का नेम होता है स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायर के जैसा दिख भी रहा है और इसका नेम भी क्या रहता है, स्क्वायरिक एसिड, ये भी रिएक्ट कर पाता है NaHCO3 के साथ, वो भी ये भी ज़्यादा एसिडिक है H2CO3 के साथ, H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है, दैट मीन्स ये रिएक्ट कर पाता है। यहाँ पे ये जो हम लोग लिख रहे हैं कि NaHCO3 के साथ कौन कौन सा रिएक्ट कर पाता है, रिएक्ट क्वेश्चन ये है, जिसमें टिक किया हुआ है वो रिएक्ट कर रहा है, जिसमें क्रॉस किया हुआ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा इसमें। और जब फिनॉल ही रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कोई भी अल्कोहल अगर होगा, मिथाइल अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल, ये सब भी रिएक्ट नहीं करता इसमें। ये मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसको अच्छे से नोट करो। अब इसका एसिडिक जैसे ये आज हम लोग पढ़े हैं, आज जब भी फ्री होते हो एक घंटे आराम से खाना वाना खा करके इसको रिवाइज करके इसका सेक्शन अभी कर लो, और अभी कर लेते हो तभी हम लोग पढ़े ही हैं, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एसिडिक वाला सेक्शन का। इस टाइप से यहाँ पे सोचना यहाँ पे, चलो ठीक है, हम लोग फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ से। कल का लेक्चर वीडियो कल हम लोग डिस्कस भी किए थे बहुत सारी चीजें हैं, कल का तो प्रॉपर लेक्चर वीडियो नहीं, आज का मैं इसमें पीडीएफ भी सेंड कर देता हूँ, तो वो लोग वीडियो आज का मैं वीडियो भी प्रॉपर बन चुका है तो उसका मैं सेंड कर दूंगा। कल डिस्कशन भी हुआ था और कुछ हम लोग कुछ ही पढ़े थे,
कल का वो दोनों उसका बना है किसका नहीं बना है, तो आज का मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा पीडीएफ भी। कल का मैंने वैसे पीडीएफ जो थ्योरी पढ़े तो उसका मैं सेंड कर दिया था, तो कल का थ्योरी बस देख लोगे, ज्यादा कुछ थ्योरी था नहीं। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे अभी।